सुप्रभात। नमस्कार दोस्तों, हमारा मस्तिष्क तंत्रिका तंत्र का केंद्र बिंदु है, जो शरीर में मौजूद सभी कोशिकाओं को इलेक्ट्रोकेमिकल संकेत प्रसारित करने और प्राप्त करने में मदद करता है। चूंकि मस्तिष्क हमारे शरीर का इतना महत्वपूर्ण अंग है, इसलिए अल्जाइमर रोग से खुद को बचाने के लिए हमें मस्तिष्क की अच्छी देखभाल करनी चाहिए। हम जानते हैं कि संतुलित भोजन करके बदन को छरहरा और स्वस्थ रखा जा सकता है। ठीक उसी प्रकार पोषण मस्तिष्क के स्वास्थ्य को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, मगर हमेशा स्वस्थ और सही भोजन कर पाना संभव नहीं है। ऐसी स्थिति में मस्तिष्क के स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए विटामिन सप्लीमेंट्स एक अच्छा विकल्प है। आइए दोस्तों, जानते हैं कि कौन कौन से विटामिन मस्तिष्क के अच्छे स्वास्थ्य के लिए जरूरी होते हैं। नंबर एक, विटामिन ई। मस्तिष्क के स्वास्थ्य के लिए विटामिन ई एक आवश्यक विटामिन है, जो कई जैविक कार्यों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। विटामिन ई में गामा टोकोफेरोल नामक यौगिक पाया जाता है, जो मस्तिष्क विकारों के इलाज में एक सुरक्षात्मक एंटीऑक्सीडेंट के रूप में कार्य करता है। यह ऊतकों में मुक्त कणों को खत्म करने में मदद करता है, जो ऑक्सीडेटिव क्षति का कारण बनते हैं। विटामिन ई न्यूरोलॉजिकल कामकाज में भी मदद करता है और लिपिड की रक्षा करता है। सूरजमुखी तेल, अवेकेडो, कीवी फल, ब्रोकोली, टमाटर, पपीता और लेटिस में विटामिन ई प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। नंबर दो, विटामिन बी 12। विटामिन बी 12 एक महत्वपूर्ण यौगिक है, जो मस्तिष्क के रसायनों के गठन में मदद करता है। विटामिन बी 12 उन विटामिनों में से एक है जो माइलिन के गठन से संबंधित है। माइलिन तंत्रिका तंतुओं के आसपास इंसुलिन परतें बनाता है। मस्तिष्क के कार्य और रक्त गठन में भी विटामिन बी 12 एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। बुजुर्गों को अल्जाइमर रोग से बचाने के लिए यह विटामिन बेहद फायदेमंद होता है। अंडे, मांस, पनीर, दूध और समुद्री भोजन में विटामिन बी 12 प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। नंबर तीन, विटामिन डी। विटामिन डी वसा में घुलनशील विटामिन है, जो मस्तिष्क के लिए काफी महत्वपूर्ण है। इसे विटामिन डी 2 और विटामिन डी 3 में बांटा गया है। यह विटामिन अंगों की कार्य प्रणाली को सही बनाए रखने और कैल्शियम की सांद्रता बनाए रखने में मदद करता है। इसके अलावा यह शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली को बढ़ावा देता है और मस्तिष्क कोशिकाओं के विकास को भी नियंत्रित करता है। सूर्य किरणों का सेक, श्रिम्प्स, मशरूम, अंडे और दूध में विटामिन डी भरपूर मात्रा में पाया जाता है। नंबर चार, विटामिन बी 6। विटामिन बी 6 पानी में घुलनशील पोषक तत्व है, जो चयापचय क्रियाओं को संचालित करने और तंत्रिका तंत्र को सही बनाए रखने में मदद करता है। यह न्यूरोट्रांसमीटर के उत्पादन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यह एक रासायनिक प्रक्रिया है, जो मस्तिष्क को तंत्रिका कोशिकाओं से संवाद करने की अनुमति देता है। यह विटामिन विशेष रूप से वृद्ध लोगों की प्रतिरक्षा प्रणाली के लिए जरूरी होता है। इस विटामिन का इस्तेमाल भूलने की बीमारी के इलाज के लिए किया जाता है। पालक, मटर, दूध, आलू, अंडे, पनीर, गाजर और फलियों में विटामिन B6 प्रचुर मात्रा में होता है। नंबर पांच, विटामिन ए। मस्तिष्क और संपूर्ण शरीर के समग्र स्वास्थ्य के लिए विटामिन ए बेहद जरूरी होता है। यह तंत्रिका तंत्र के विकास में मदद करता है और शरीर को मुक्त कणों से होने वाले नुकसान से बचाने वाले एंटीऑक्सीडेंट के रूप में कार्य करता है। विटामिन ए दृष्टि में सुधार और शरीर के प्रतिरक्षा के स्तर को बढ़ाने के लिए जरूरी होता है। यह मस्तिष्क कोशिकाओं के बीच संचार में सुधार करता है और सीखने की क्षमताओं को बढ़ावा देता है। विटामिन ए जीन ट्रांसक्रिप्शन के लिए काफी महत्वपूर्ण होता है और सेल के विकास में मदद करता है। इस विटामिन का सही स्तर बनाए रखने के लिए गाजर, पालक, सलाद, ब्रोकोली, शतावरी,
खुबानी और टमाटर का सेवन करना चाहिए। दोस्तों, यह था आज का लाइफ चेंज देसी नुस्खा होम रेमेडीज। अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों में इसे शेयर भी करें, ताकि वे भी इन नुस्खों का लाभ उठा सकें। और दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि हम हमारे हर वीडियो आपकी सेवा में पहुंचा सकें। अपना कीमती समय निकालकर वीडियो देखने के लिए आप सभी दोस्तों का तहे दिल से धन्यवाद। कल फिर मिलते हैं ऐसे ही किसी चमत्कारिक होम रेमेडीज और नुस्खे के साथ में। तब तक के लिए विदा दोस्तों, धन्यवाद।